प्रतीक सहजपाल और नेहा भसीन की जोड़ी अब कुछ ज्यादा ही क्लोज होती जा रही है और बिग बॉस के घर में प्यार की खुशबू या फिर यूं कह लीजिए कि हवाएं चलने लगी हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इन दोनों की क्लोजनेस अब कुछ ज्यादा ही हो गई है। आप शुरुआत से गौर करें तो ये दोनों अलग अलग पार्टनर्स के साथ बिग बॉस के घर में आए थे, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में कनेक्शन था। इसके बाद जब बिग बॉस ने कहा कि आप कनेक्शन बदल सकते हैं, तो प्रतीक और नेहा इन दोनों ने एक दूसरे को चुना और जब से ये दोनों एक दूसरे के कनेक्शन बने हैं, तब से ही इनका जो कनेक्शन है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होने लगा है। इन दोनों के बीच में मस्ती मजाक देखने को मिलता है। ये दोनों एक दूसरे का हर वक्त पर साथ निभाते हैं। हर टास्क में इन दोनों की यूनिटी देखने को मिलती है। एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे को मना भी लेते हैं और दिन भर इनका मस्ती मजाक तो जारी रहता ही है। जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की टांग खिंचाई भी करते हैं, तो साथ ही में एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम भी है। जब भी किसी से झगड़ा होता है तो ये दोनों एक दूसरे के लिए आवाज उठाते हैं, एक दूसरे का साथ निभाते हैं। कभी भी अपने साथ के अपने दोस्त को किसी और के साथ कमजोर नहीं दिखने देते हैं। हर बार अपने साथी का सपोर्ट करते हैं, उनका हर एक मुश्किल वक्त में साथ निभाते नजर आते हैं। ये दोनों अक्सर ही एक साथ नजर आते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और के साथ बैठे रहते हैं। और इस तरीके से इन दोनों का ये जो कनेक्शन है, अब ये अलग ही लेवल पर जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या होगा बिग बॉस के घर के अंदर और घर के बाहर इन दोनों के इस कनेक्शन का, या फिर यूँ कह लीजिए कि इस लव एंगल का? हमें अपने विचार बताइए कमेंट सेशन के थ्रू। और इसी तरीके से बिग बॉस ओटीटी से जुड़ी हर एक खबर जानने के लिए चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।